हैरी पॉटर का इनविजिबिलिटी क्लोक बचपन में सबको बहुत अमेज करता था और हर कोई चाहता था कि काश ये क्लोक हम सबको मिल जाए। अब उन सपनों को पूरा किया जा सकता है, कैसे आइए आपको बताते हैं। चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट के कुछ साइंटिस्ट और कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर एक ऐसा इनविजिबिलिटी क्लोक बनाया है जो सिक्योरिटी कैमरास को मात देगा। और इतना ही नहीं, ये क्लोक सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी चकमा दे सकता है। स्टूडेंट्स ने इस इनविजिबिलिटी क्लोक का नाम इनविजी डिफेंस कोट रखा है। अकॉर्डिंग टू द टीम, ये जो कोट है वो ह्यूमन आई से तो देखा जा सकता है, लेकिन किसी भी कैमरे में ये कैप्चर नहीं हो पाएगा। दिन के समय ये कोट कैमरे से इजीली बिना कैप्चर हुए पास हो जाएगा, लेकिन रात के समय इसमें से अनयूजुअल हीट वेव्स पास होंगे। इस कोट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी डिटेक्शन सिस्टम को कंफ्यूज कर सकता है और जो आर्टिफिशियल सेल्फ ड्रिवन कार्स होती हैं उनको भी ये चकमा दे सकता है, लेकिन ह्यूमन ड्राइवर्स को ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। इस कोट का लुक ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये नॉर्मल कैमोफ्लेज कोट जैसा ही है, लेकिन अगर कोई इसे ध्यान से देखे तो लोगों को इसमें एक कस्टमाइज पैटर्न दिखाई देगा जिसे ऐसे एल्गोरिथम से डिजाइन किया गया है कि वो किसी भी कैमरे को इजीली धोखा दे सकता है। एक स्टूडेंट ने इस कोट को पहनकर पूरे कैंपस में घूम के इसे टेस्ट किया था। उस ट्रायल के दौरान इस कोट ने पूरे कैंपस के सिक्योरिटी सिस्टम को मात दे दी थी। इस कोट को बनाने के पीछे स्टूडेंट्स का एम था कि वो इसे किसी भी मान्यता से बचाएंगे। उनको ये पता चला था कि 57% चांसेस है कि इस टाइप का कोट नहीं बन पाएगा, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस कोट को डेवलप किया। इस कोट को बनाने का आइडिया चाइना के रीसेंट एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट से आया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि चाइना के पास दी मोस्ट एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम है। वहाँ के रोड्स, बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स, हर जगह पे कैमरे हैं। तो इस प्रोटेस्ट के दौरान सीसीटीवी देख के बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया था, तब जाके इस कोड को बनाने का प्लान किया गया। अब इस कोड का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए होगा या फिर क्राइम के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस कोड की एस्टिमेट कॉस्ट $72 है, which is okay. अब देखना ये होगा कि जब ये कोट लॉन्च होगा तो लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। चाइना के इस नए आविष्कार के बारे में आप सभी लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल ऑन एयर भारत को जरूर सब्सक्राइब करें।